लोकसभा में पास होने के बाद तीन तलाक बिल मंगलवार को राज्यसभा में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया। बीजेपी ने इसे लेकर अपने सांसदों को व्हिप जारी किया था। वहीं बीजेडी ने तीन तलाक बिल को समर्थन देने की बात कही है। कांग्रेस नेताओं के नए अध्यक्ष की खोज शायद पूरी हो गई है। दो महीने के बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से अधिकृत तौर पर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आया है। दरअसल सांसद शशि थरूर के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रियंका को सही विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी इस पर जल्द फैसला ले। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी नेता एसएम कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कैफे कॉफी डे के मालिक सिद्धार्थ 29 जुलाई को मंगलुरु आ रहे थे, बीच रास्ते में लापता हो गए। लापता होने से पहले सिद्धार्थ ने अपने सीएफओ से भी बात की थी। बता दें कॉफी कैफे डे पर 7000 करोड़ का लोन है, जिसके चलते पुलिस को शक है कि लोन की वजह से सिद्धार्थ ने सुसाइड कर लिया। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे में नया खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट करने वाला ट्रक समाजवादी पार्टी नेता नंदूपाल के बड़े भाई देवेंद्र पाल का है। हादसे के बाद फतेहपुर से जेल रोड पर देवेंद्र पाल के मकान में ताला बंद है। बता दें कि देवेंद्र पाल ललोली थाना क्षेत्र के मुत्तोर गांव के रहने वाले हैं, जिसकी तलाश शुरू हो गई है। वहीं उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए एक्सीडेंट मामले में परिजनों का विरोध शुरू हो गया है। परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार से मना कर दिया है। परिजनों का कहना है कि जब तक पीड़िता के चाचा को पैरोल नहीं मिलती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिजनों ने सरकार से पीड़िता के चाचा को पैरोल दिलाने की मांग की है। पीएम मोदी डिस्कवरी के मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले हैं। शो का टीजर रिलीज होने के बाद से ही कई विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी पर हमलावर हैं। कांग्रेस का दावा है कि जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के दौरान पीएम मोदी शो की शूटिंग में बिजी थे। कांग्रेस ने डिस्कवरी से शूटिंग वाले दिन के पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शिव भक्त कांवड़ियों के लिए बनाए गए कांवड़ कैंप का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ कांवड़ शिविर पहुंचे सीलमपुर के विधायक हाजी इशराक खान ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। विधायक ने कांवड़ियों के साथ दोनों हाथ उठाकर बम बम बोले और जय श्री राम के जयकारे लगाए। बाघों की संख्या को लेकर राज्यवार आंकड़े आ चुके हैं। सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश को बाघ प्रदेश का दर्जा मिला है। मध्य प्रदेश में कुल 526 बाघ देखे गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 524 बाघ गिने गए, और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है, जहां कुल 442 बाघ देखे गए हैं। अब देश में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। जम्मू कश्मीर को लेकर अटकलों के बीच पुलिस का नया आदेश सामने आया है। श्रीनगर में सभी एसपी से मस्जिदों और उनकी प्रबंध समितियों का ब्यौरा मांगा गया है। पुलिस के इस आदेश का विरोध हो रहा है। कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती ने इसे धार्मिक मामलों में दखल बताया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में सेना का प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। इस हादसे में करीब 12 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे में 5 सैनिक भी मारे गए हैं।